सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास टेंथ की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 का। जी हाँ, यूनिट नंबर 10 का नाम है प्रकाश प्रावर्तन तथा अपवर्तन, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डेरिवेशन आते हैं। तो कोई नहीं, इस चैप्टर का इजीली स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। सो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल पीस ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 9 to 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की वीडियोज़ मिलती रहती है। और थोड़ा देखेंगे हेड पे ए जो भी चीज़ें थोड़ा सा चेंज है, तो हमारे ग्रैंडफादर थे एक्सपायर कर गए थे, तो इसलिए वीडियो भी डिले हुआ है और थोड़ा सा लुक भी चेंज हुआ है। तो कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, ये है अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश प्रावर्तन तथा अपवर्तन, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इमेजिन करो कि एक अंधेरे कमरे में आपको ले जा करके बंद कर दिया जाता है, तो क्या आप किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे में कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, ईजिली देखते हैं। देन प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे कह रहा कि प्रकाश एक सरल मिस सीधी रेखाओं में गमन करता है। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि, तो जैसे बात करते हैं कि एक हम पाइप लेते हैं, ठीक है, एक सीधी पाइप लेते हैं और दूसरा एक कर्व टाइप में पाइप लेते हैं। तो सीधी पाइप से देखेंगे तो आर पार दिखाई देगा, लेकिन कर्व वाले से देखेंगे तो आर पार हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखाओं में गमन करता है, और प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ जो लाइट होती है, निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। देन कह रहा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नीड नहीं होती है, ठीक है। देन प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है, सही बात है। एंड प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। एंड प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे दर्पण पर आने वाले या पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की किरणें परावर्तित कर देता है, तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के बेसिकली दो नियम हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है, कोई समतल दर्पण है, और ये दर्पण का अभिलंब है जिसको एन से लिखते हैं, नॉर्मल कहते हैं, और यहाँ पे कोई इंसिडेंट रेज आ रही है, आपतित किरणें आ रही है, तो ये क्या होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है इसको एंगल आई कहते हैं, और इसके बीच में जो एंगल होता है इसको एंगल आर कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण मिस आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर के। एंड सेकंड कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब, ये तीनों जो पॉइंट होते हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्थित होते हैं। तो ये परावर्तन के दो नियम हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में ही कुछ अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की मदद से यहाँ पर समझ लीजिए कि इसको कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रेस कहते हैं, ये परावर्तित किरण होती है जिसको रिफ्लेक्टेड रेस कहते हैं, ये अभिलंब होता है, अभिलंब को कैपिटल एन से लिखते हैं, ठीक है। ये आपतन कोण आई होता है, परावर्तन कोण आर होता है, तो ए होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, हमने आपको समझा दिया है। देन अभी हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं IMAGE, इमेज क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब मतलब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है, अथवा प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। तो जब प्रतिच्छेदित होती हैं तो वो प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जब प्रतिच्छेदित हुई प्रतीत होती हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं, एंड आभासी को वर्चुअल कहते हैं, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये दो इमेज होता है। तो आइए दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो वास्तविक में लिखेंगे कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। आभासी में क्या होता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं, ठीक। देन आगे इसी में डिफाइन करते हैं कि इसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक।
देन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल द्वारा दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो समतल द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है, तो इसका इमेज कुछ इधर बनेगा, ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है। तो लिखेंगे आभासी एवं सीधा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, एंड प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण से दूर होती है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि समझो कि दो प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि दो प्लेन मिरर हैं, दो समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे से 60 अंश के कोण पे रखे गए हैं, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना प्रतिबिंब बनेगा। और इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप ट्रायल रूम में जाते हैं, कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं, तो देखेंगे अपने ही शरीर का बहुत सारा इमेज हमको दिखाई देता है, तो क्या लॉजिक होता है, तो उसमें यही लॉजिक होता है। तो नंबर ऑफ इमेज एन बराबर होता है 360 डिग्री अपान थीटा माइनस वन, ये फार्मूला, इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा। और समझिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो समतल दर्पण हैं M1 और ए है M2, जो एक दूसरे से 60 अंश के कोण पे झुके हुए हैं, और इनके बीच में यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं तो इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो n इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपान थीटा माइनस वन, इसमें मान पुटअप करते हैं तो n इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपान थीटा का मान कितना है 60 डिग्री माइनस वन हो जाएगा, डिग्री से डिग्री डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जीरो से जीरो छछा का 36, तो n इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस वन, तो n का मान कितना हो जाएगा 5, और ए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ए लॉजिक होता है। एक न्यूमेरिकल और समझते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे समझते हैं कि दो समतल दर्पण हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से 50 अंश के कोण पे रखे गए हैं, ठीक है, इसको मानते हैं मिरर 1 और इसको मानते हैं मिरर 2, और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हमको निकालना है। तो यही सेम फार्मूला लगाएंगे, एन इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपान थीटा माइनस वन, तो एन इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपान थीटा का मान 50 डिग्री माइनस वन, जीरो से जीरो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिग्री से डिग्री डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब 36 में 5 का भाग देंगे, तो इधर भाग दे लेते हैं 36 भागा 5, तो 5 सता 35 होता है, तो देन ए हो जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा 5 दूना 10, तो ए डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे एन बराबर आ गया 7.2 माइनस वन, मतलब हो जाएगा 6.2। तो 6.2 मतलब कितना इमेज हुआ, यहाँ पे समझना मुश्किल हो जाएगा। तो जो ऐसे कंडीशन में जब डेसिमल नंबर में इमेज आ जाता है, तो जो इमेज होता है नेक्स्ट इंटीजर के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और ए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको SW में देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, होमवर्क में देता हूँ। जैसे एक में है थीटा का मान 120 अंश है, और एक में थीटा का मान है 30 अंश, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आपको निकालना है, तो निकाल कर बताइएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। देन आगे बढ़ते हैं, तो अगला नेक्स्ट टॉपिक्स पुटअप होता है कि इसी में थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन मतलब ये होता है कि इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है, तो ये पार्श्व परिवर्तन होता है। देन अभी बात करते हैं जो गोली दर्पण होता है क्या होता है, तो गोली दर्पण दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर अथवा बाहर की ओर वक्रित होता है, और बेसिकली जो गोली दर्पण है ये दो टाइप्स का होता है, पहला होता है अवतल, ठीक है, एंड सेकेंड होता है उत्तल, ये दो टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे ये जो दर्पण बनाया गया इसको कहते हैं अवतल दर्पण, दर्पण को ये मुख्य अक्ष जिस पॉइंट पे काटता है उसको दर्पण का ध्रुव P कहते हैं, और अवतल दर्पण में जो कलई होता है हमेशा उभरे हुए तल से होता है, और इसमें जो परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है, ठीक है। तो ये होता है अवतल दर्पण, और ये जो दर्पण होता है बेसिकली क्या होता है, एक गोले का टुकड़ा होता है, कटा हुआ पार्ट होता है, ऐसे इसको कंप्लीट किया जाए तो दर्पण जो गोला होता है तो सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर यहाँ पे ओ होता है, तो यहाँ पे इसकी सेंटर को सी से लिखते हैं जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है, और इनके बीच में होता फोकस जिसको एफ कहते हैं, तो ए रहा अवतल दर्पण। देन आगे बढ़ेंगे,
तो इसी चीज़ को हम डिटेल में यहाँ पे समझ लेते हैं कि यही है अवतल दर्पण। तो ये बेसिकली एक गोले का पार्ट होता है, तो इसके सेंटर को सी से लिखते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से सी से पी तक की जो डिस्टेंस होती है इसको त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल आर से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बीच में क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। पी व एफ के बीच की दूरी को स्मॉल एफ फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक। तो यहाँ आप समझते हैं कि ध्रुव क्या होता है, ठीक है। तो ध्रुव का डिफिनेशन सिंपल सा ये होगा कि गोली दर्पण में या फिर अवतल दर्पण में या फिर दर्पण में मुख्य अक्ष दर्पण को जिस पॉइंट पे कट करता है वो दर्पण का क्या होता है, ध्रुव होता है। और इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो यहाँ पे लिखेंगे गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। देन आता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष आता है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो लिखेंगे गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। तो ये जो मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये देखेंगे वक्रता केंद्र फोकस और ध्रुव से जाता है। तो यही क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। देन अभी इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होगा। तो वक्रता केंद्र मतलब गोली दर्पण एक गोले का पार्ट होता है, तो उस गोले के केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देन वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से निरूपित करते हैं। द्वारा क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, तो गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारा कहलाता है, अपर्चर कहलाता है, और इसको एम एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य फोकस को हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष पर मतलब फोकस बिंदु से और ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य फोकस कहलाता है और मुख्य फोकस को स्मॉल एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देन गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको एफ द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो ये टॉपिक्स थी। देन अभी इसी में हम लोग डिफाइन करते हैं कि छोटे द्वारा के गोली दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दो गुनी होती है। तो कहने का मतलब ये है, जो आर होता है वो टू एफ होता है, अथवा जो एफ होता है वो आर बाई टू होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। देन अवतल दर्पण के किस आलेख के बनने के कुछ नियम होते हैं, मतलब यहाँ पे जो अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब बनने की कुछ कंडीशन होती है। तो तीन कंडीशन होती है और तीन नियम होते हैं, और जो कंडीशन होती है वो कितनी होती है, छः होती है। तो आइए एक एक करके यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसे पहला नियम कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात में अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। और इसको आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यहाँ पे समझेंगे कि समझते हैं, एक कोई अवतल दर्पण है, दर्पण का ध्रुव है, सी है और एफ है। तो कोई भी प्रकाश की किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही हैं, तो परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से आती हैं। ये पहला नियम है। सेकंड नियम क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात में मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेंगी। जैसे इमेजिन करते हैं कोई प्रकाश की किरणें है जो मुख्य फोकस से आ रही हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है कि इमेजिन करते हैं कोई प्रकाश की किरणें हैं जो वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो जैसे ए सी से आ रहा है, तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती हैं। एंड चौथा भी नियम है, चौथे वाले को समझ लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दर्पण के बिंदु ध्रुव की और मुख्य अक्ष से त्रियक दिशा में आपतित किरण त्रियक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। आपतित परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं। तो इमेजिन करते हैं कोई प्रकाश की किरणें हैं जो दर्पण के ध्रुव से आ रही हैं, तो जिस एंगल से आती हैं उसी एंगल से क्या होती हैं, उसी ही साइड में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये चौथा नियम है, ठीक है। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। देन यहाँ पे एक टेबल में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इस चीज़ को समझने से पहले मैं एक छोटा सा डेमो आपको देना चाहूँगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं आप, और आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो अवतल दर्पण जो होता है, ठीक है, अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो इसमें प्रतिबिंब बनने की कितनी कंडीशन होती है, छः कंडीशन होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ पांच ही कंडीशन की बात करते हैं, और इसको हम लोग मैजिकल बॉक्स
से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे, 3 and 4, 1 column, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे एक कर देते हैं 5। और यहाँ पे हम इनफाइनाइट रखते हैं, ए इनफाइनाइट व सी होता है, ए सी होगा, ए सी व एफ होगा एंड ए लास्ट में क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3, 4 and 5, देन इसको मानेंगे 5, इसको मानेंगे 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। और ए जो कंडीशन है, ए ऑब्जेक्ट की स्थिति है, ठीक है, और ए जो है इमेज की स्थिति है। यहाँ पे जो इमेज बनेगा स्मॉल स्मॉल, ए इक्वल बनेगा, ए बिग बनेगा और ए बिग बनेगा। अब इस चीज़ को समझते हैं, जैसे बात करते हैं कि वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पे, इनफाइनाइट पे, तो इसका इमेज बनेगा 5, 5 मतलब फोकस पे बनेगा, ठीक। यदि वस्तु को अनंत व सी के बीच में रख रहे हैं तो इसका इमेज बन रहा 4 पे, 4 मतलब सी व एफ के बीच में बनेगा। यदि वस्तु को हम कहाँ पे रख रहे हैं, सी पे रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं, तो इसका इमेज 3 मतलब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। कैसा बनेगा, इक्वल बनेगा। इन दोनों कंडीशन में स्मॉल स्मॉल बनता है, इसमें इक्वल बनता है। यदि वस्तु को सी व एफ के बीच में रख रहे हैं तो इसका इमेज 2 मतलब अनंत व सी के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और यदि वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं तो इसका इमेज 1 मतलब इनफाइनाइट अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, बिग बनेगा। तो ये मैजिकल बॉक्स है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, रिमेम्बर कर लीजिएगा। देन मैं आता हूँ इसमें, इसमें भी वही सारी चीज़ें बताया गया कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा वह उल्टा बनता है, ठीक है। तो इस एक चीज़ और भी समझ लेंगे यहाँ पे कि जैसे मानते हैं कि जो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ठीक है, इसको कहते हैं एक्स एक्स डैश कहते हैं, इसको कहते हैं वाई वाई डैश कहते हैं। मूल बिंदु होता है 0 0 होता है, तो मूल बिंदु के ऊपर की जो डिस्टेंस होती है प्लस होती है, नीचे की डिस्टेंस माइनस होती है, राइट की डिस्टेंस प्लस होती है, लेफ्ट की डिस्टेंस क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। तो ये जो पाँचों कंडीशन है, तो पाँचों कंडीशन में जो वस्तु बनता है वो नीचे बनता है, ठीक है। तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनेगा, नीचे बनेगा, पांचों कंडीशन में। छठे कंडीशन में यहाँ ऊपर बनता है, तो जब डॉट डॉट मिला जाता है तो आभासी बनता है, तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो कोई नहीं, आइए यहाँ पे समझते हैं अब। तो जब अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, वास्तविक का उल्टा बनेगा। यदि कह रहा कि सी से परे हम रख रहे हैं, मतलब अनंत व सी के बीच में रख रहे हैं, तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। यदि हम वक्रता केंद्र पर ही रख रहे हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। यदि हम वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में रख रहे हैं तो इसका इमेज अनंत व सी के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और यदि फोकस पे रख रहे हैं वस्तु को तो इसका इमेज अनंत पे बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। और यदि पी व एफ के बीच में रख रहे हैं वस्तु को तो दर्पण के पीछे बनता है और विवर्धित मतलब होता है आभासी बनता है, आभासी व सीधा बनता है, ठीक है। तो इस टेबल को भी आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देन जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को मैं यहाँ पे सेटिस्फाई करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम मानते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, पहला कंडीशन है। सेकेंड है कि और ये बनता कैसे है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो मुख्य फोकस से आती है, ए भी जा रही है तो फोकस से जा रही है, मतलब इस वस्तु का इमेज आई आई डैश यहाँ पे बन जाता है। देन यदि वस्तु को अनंत व सी के बीच में रखना है, सेकंड कंडीशन है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो पहला है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने ए भी रखा तो इसका रेंज जा रही है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से आएगी, और दूसरा मुख्य फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देन यहाँ पे ए डैश बी डैश बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत व सी के बीच में बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, ये दूसरा कंडीशन थी। देन आगे बढ़ेंगे तीसरा कंडीशन पे, थर्ड कंडीशन पे, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, सी पे रख रहे हैं, ए भी कोई ऑब्जेक्ट रख रहा है तो इसका रेंज जाएगी, दर्पण से टकराएगी मुख्य फोकस से, दूसरा मुख्य फोकस से आ रही है, दर्पण से टकराने में मुख्य अक्ष के समानांतर, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश इसका इमेज बनता है। कैसा बनेगा, बराबर बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। ऐसे ही चौथे कंडीशन की बात करते हैं,
चौथे कंडीशन में सी व एफ के बीच में यदि हम वस्तु को रख रहे हैं तो ए रहा सी और ए रहा एफ, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ए भी रखी गई है, तो पहला रूल क्या है कि प्रकाश की किरण मुख्य के समानांतर जा रही है तो मुख्य फोकस से आएंगी, और दूसरा क्या है कि मुख्य फोकस से यदि आ रही है तो मुख्य के समानांतर आएंगी, तो इस वस्तु का इमेज यहाँ बनेगा ए डैश बी डैश। तो ए कहाँ पे बन रहा है, अनंत व सी के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। देन पांचवा कंडीशन की बात करते हैं कि वस्तु को इस बार फोकस पे ही रख रहे हैं, तो ये मानते हैं फोकस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो इसका रेज जाएगी दर्पण से टकराएगी, मुख्य फोकस से आएगी और दूसरा वक्रता के अंदर से डायरेक्ट हम गुजारेंगे, तो ये ऐसे डॉट 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 कहीं पे मिलेगा ही नहीं, तो मतलब ये इनफाइनाइट तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, तो ये पाँचवा कंडीशन है। देन एक लास्ट कंडीशन पुट अप होता है, कंडीशन नंबर सिक्स, और इसमें जो वस्तु की कंडीशन होती है उसको हम रखते हैं पी व एफ के बीच में, मतलब फोकस व ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो ए रहा एफ ए रहा पी, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, तो पहला नियम क्या है कि यहाँ पे प्रकाश की किरणों को यदि हम ध्रुव से लाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से, मतलब ध्रुव से लाएंगे जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से क्या होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसको हमने डॉट डॉट ऐसे बढ़ा दिया, और दूसरा हम वक्रता केंद्र और ऑब्जेक्ट से लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा इस वस्तु का इमेज यहाँ पर बनेगा ए डैश बी डैश, तो एक ऐसा बनता है आभासी बनता, सीधा बनता था वो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये छह कंडीशन है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए, और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। देन आगे बढ़ेंगे, कारा कि जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, कनकेव मिरर जो होता है उसका कुछ उपयोग होता है, कौन कौन से उपयोग हैं, तो पहला कारा कि सामान्यतः टार्च सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सेकंड क्या है कि दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। एंड थर्ड है कि इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। एंड फोर्थ क्या है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो कुछ एक होती हैं और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। देन आगे बढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग होते हैं, तो उपयोग पढ़ने से पहले अभी उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनने की कुछ नियम होती है। पहला नियम क्या है, पहला नियम यही है कि अभी ये नियम नहीं है, मतलब ये रूल समझ लेते हैं कि कौन कौन सा रूल का यूज़ करके हम बनाएंगे और कितने कंडीशन होती है, दो ही कंडीशन होती है, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, अनंत व ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो चलिए पहला कह रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात में दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित होती है, सेम रूल। तो मानते हैं कोई प्रकाश की किरणें हैं जो ऐसे जा रही हैं, तो ये मुख्य फोकस से जाएंगी, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इसको डॉट डॉट मिलाना पड़ता है, ठीक। सेकंड क्या है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात में मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेंगी, तो मानते हैं कोई मुख्य फोकस से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, तो मुख्य फोकस के समानांतर रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, तो ये दूसरा नियम है। और इसे आगे बढ़ेंगे तो तीसरा नियम यहाँ पे है, इसको समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, कोई वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जा रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएंगी, ठीक है। और चौथा कंडीशन क्या है कि उत्तल दर्पण के ध्रुव की मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित प्रकाश की जो तिर्यक किरण होती है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या होती है, वापस चली जाती है। तो मानते हैं कि यहाँ पे एंगल आई से कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे मानते हैं इसका मान यदि 45 डिग्री है, तो इसका भी मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और उत्तल दर्पण में परावर्तन हमेशा उभरे हुए तल से होता है और इसमें कलई दबे हुए तल में किया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देन आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब बनने की इसमें कुछ कंडीशन होती है, और सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, पहला कि जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, और दूसरा कि जब वस्तु को अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो जब अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा दर्पण के पीछे, और जब अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में रखेंगे तो फोकस तथा एफ के ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है दर्पण के पीछे। कैसा बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, इसमें भी छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी मतलब क्या होता है, जब उनको वर्चुअली मिलाया जाता है डट डट करके, इसलिए आभासी बनता है, ठीक है। तो आइए उन दोनों कंडीशन को यहाँ पे हम लोग समझते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि वस्तु को अनंत पे रखा गया है यहाँ पे, तो प्रकाश की किरणें जा रही हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, इनको डॉट डॉट करके हमको फोकस से मिला दिया, और दूसरा भी ऐसे जा रही हैं
तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, फिर डॉट डॉट करके हमने फोकस पे इसको मिला दिया। तो इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई आई डैश का आई आई डैश अथवा ए डैश बी डैश भी लिखेंगे। दूसरा क्या है कि अनंत तथा ध्रुव के बीच में जब रख रहे हैं तो ए रहा अनंत और ए रहा ध्रुव पी, इसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इसका इमेज बनेगा ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो पहला रूल क्या है कि प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में मुख्य फोकस से आएंगी, और दूसरा डायरेक्ट हम वक्रता केंद्र से ले जाते हैं तो इस वस्तु का इमेज यहाँ पर बनता है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती हैं, ठीक। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन आगे बढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग होते हैं, कुछ यूजेस होते हैं, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग क्या है, कह रहा कि उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, और उत्तल दर्पणों को इसीलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है, तो ये उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। देन इसी में आता चिन्ह पर पार्टी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, गोली दर्पण द्वारा जो चिन्ह पर पार्टी होता है। तो इसमें कह रहा कि बिंब जो होता है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, और इसका अर्थ ये है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं कि मानते हैं कोई कार्तीय तल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा मुख्य अक्ष के बाईं ओर ही रखा जाता है, इसलिए जो यू का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस में ही होता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी ध्रुव या दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है, ठीक है। एंड थर्ड क्या है कि मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी जो होती है वो धनात्मक ली जाती है, और मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक ली जाती है। समझ में आया, जैसे एक कोई मूल बिंदु है तो इसके दाईं तरफ की दूरी धनात्मक होती है और इसके बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये कह रहा है, ठीक है। देन कह रहा कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर की दिशा में जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तथा नीचे की जो दूरी होती है मुख्य अक्ष से नीचे की जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये चिन्ह पर पार्टी है, और आई थिंक आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे क्योंकि हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पर दिखता है कि मुख्य अक्ष के बाईं की दूरी ऋणात्मक, दाईं की दूरी धनात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है चिन्ह पर पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो चिन्ह पर पार्टी की बात की जा रही है यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं। मानते कोई एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में कलई हमेशा उभरे वितल पे किया जाता है, परावर्तन हमेशा दबे वितल से होता है। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए कि ये कोई इसका क्या है, अभिलंब है, नॉर्मल है, तो इधर की दूरी क्या होती है, माइनस होगी हमेशा, ठीक है। नीचे की दूरी भी माइनस होगी, ऊपर की दूरी प्लस होगी, और बाएँ की दूरी माइनस होगी, और दाईं ओर की दूरी क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। तो ये बात है, ये होता है मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। ये ध्रुव होता है, तो इसी के अनुदिश में सारी दूरियां जो होती है वो मापी जाती है। तो इसमें कह रहा कि बिंब की दूरी u जो होती है हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के बाईं ओर हमेशा ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इसलिए जो u का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। देन अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि फोकस जो बनता है वो कहाँ बनता है, हमेशा देखेंगे वो लेफ्ट साइड में ही होता है, तो इसलिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन छठे कंडीशन में जब जाएंगे तो उसमें भी क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। कर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण को जो हम लोग क्रिएट करते हैं तो ये मुख्य अक्ष के दाएं तरफ इसकी वक्रता केंद्र होती है और फोकस होती है, इसलिए इसकी जो फोकस होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लस होती है, और इसकी जो फोकस होती है वो हमेशा माइनस होती है, ठीक है। देन आगे जाएंगे तो दर्पण का सूत्र आता है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f, या फिर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे जो v होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है, u जो होता है वो वस्तु की दूरी होता है, एंड f मतलब होता है फोकस दूरी होता है। तो आई थिंक इस फार्मूले का डेरिवेशन करके हमें आपको बताना चाहिए, तो कोई नहीं, आइए इस फार्मूले का डेरिवेशन कर लेते हैं। तो न्यू पेज ले लेते हैं, तो अभी यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि कोई गोली दर्पण हम ले लेते हैं। गोली दर्पण में हम क्या लेते हैं, जैसे अवतल दर्पण ही ले लेते हैं। अभी इसको थोड़ा सा रफ करते हैं क्योंकि थोड़ा बेकार बन गया है, तो कोई नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन
RELATION रिलेशन बिटवीन UV एंड F, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। तो मानते ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। कलाई इसमें उभरे हुए तल से किया जाता है, और ये दर्पण का ध्रुव है, इसको पी मानते हैं। और मानते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया AB, और इसका रेज जा रही है, दर्पण से टकरा रही है। तो यहाँ पे मानते हैं इसका फोकस है, और यहाँ पे इसका सी मानते हैं, तो मुख्य फोकस से आएगी। और दूसरा रूल क्या कि यदि मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इस वस्तु का इमेज हम मानते हैं यहाँ पे II डैश बन रहा है, और यहाँ पे नॉर्मल खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है, ठीक है। तो इसको मानते हैं ट्रायंगल नंबर 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3, इसको मानते हैं 4, इसको मानते हैं 5, इसको मानते हैं 6। 2 और 5 को यहाँ से हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, ये 2 रहा और ये 5 रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेकर चलेंगे फ्रॉम ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 4। तो यदि ट्रायंगल नंबर 1 देखें और 4 देखें, तो भले से साइज में ये छोटे बड़े हैं, लेकिन ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक ही आकार के, एक ही रूप के हैं, तो इसलिए समरूप त्रिभुज हो जाता है, ठीक है। और समरूप त्रिभुज में प्रॉपर्टी होती है कि इसका लंब बटे इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि AB अपान और इसका, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ए डैश, और इसको मानते हैं बी डैश है, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, PA डैश हो जाएगा। तो AB अपान PA डैश बराबर, अब इसका आधार क्या होगा AF, और इसका क्या होगा PF, तो A हो जाएगा AF बाई PF, ठीक है। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल 3 एंड ट्रायंगल 6 लेकर चलते हैं। तो AB देखा जाए 3 A रहा, 6 A रहा, तो AB समरूप त्रिभुज है। तो 3 का जो लंब होगा वो क्या होगा PB डैश, तो ए हो जाएगा PB डैश अपान इसका क्या हो जाएगा II डैश इक्वल टू इसका जो आधार होगा PF, और इसका क्या हो जाएगा IF, तो यहाँ पे लिखेंगे PF बाई IF, ठीक है। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ सम कंडीशन है, सम कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। जैसे मानते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है यहाँ पे, ठीक है, तो इनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे AB जो होगा इक्वल हो जाएगा PB डैश के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि AB इक्वल टू PB डैश, एंड नीचे भी देखेंगे ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे PA डैश इक्वल टू हो जाएगा II डैश के। तो यहाँ पर लिखेंगे PA डैश इक्वल टू II डैश, और ये जो कंडीशन है इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर देते हैं। जैसे PB डैश के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं AB, तो यहाँ पर हो जाएगा AB अपान, और देखेंगे II डैश के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं PA डैश, तो ये होगा PA डैश इक्वल टू RHS में देखते हैं कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं करता, PF नहीं है इसमें, IF नहीं है इसमें, तो इसको जो कहते हैं वो लिख लेंगे PF अपान IF, ठीक है। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब डायग्राम में आते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में आने के लिए कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यदि हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 का, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट। तो 1 का LHS देखेंगे AB अपान PA डैश, और 3 का भी AB अपान PA डैश है। तो जब इनके LHS आपस में इक्वल हैं तो RHS भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AF अपान PF, AF अपान PF इक्वल टू ये हो जाएगा PF अपान IF, ठीक है। इसको आप इक्वेशन मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ डायग्राम में आते हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको U कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको भी कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और F से P तक का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकस दूरी स्मॉल F कहते हैं। तो मान रखते हैं हमको AF चाहिए, तो एरा ए और एरा एफ, मतलब हमको इसको कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हमको AF चाहिए, मतलब इतना डिस्टेंस हमको चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो यदि पूरे U में से हम F को घटा देते हैं तो हमको इतना मिल जाएगा। तो इसके जगह हम पे लिखेंगे U माइनस F अपान PF, तो ए रहा P और ए रहा F, तो ए स्मॉल F होता है, तो स्मॉल F इक्वल टू PF के जगह पे स्मॉल F अपान IF चाहिए। तो
तो ए रहा आई एफ, ए रहा आई और एफ, मतलब इतना डिस्टेंस हमको चाहिए। तो ए कैसे मिलेगा, तो यदि ए पूरा डिस्टेंस भी है, भी में से हम एफ घटा देते हैं तो हमको आई एफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भी माइनस एफ। अब क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भी का यू में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू भी हो जाएगा, और भी का माइनस एफ में करेंगे तो माइनस भी एफ हो जाएगा, और माइनस एफ का यू में करेंगे माइनस यू एफ, और माइनस एफ का माइनस एफ में करेंगे तो प्लस एफ स्क्वायर, और इस एफ का एफ में करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देन बचेगा यू बी माइनस भी एफ माइनस यू एफ इक्वल टू जीरो। देन जब यू भी इक्वल टू करेंगे, ए माइनस में ए भी माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा भी एफ प्लस यू एफ। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग, डी आई वी आई डी आई एन जी, डिवाइडिंग यू भी एफ ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों पक्षों में यू भी एफ से हम भाग देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा यू भी अपान यू भी एफ बराबर भी एफ अपान यू भी एफ और प्लस यू एफ अपान यू भी एफ, ठीक है। देन यहाँ से यू भी से यू भी कटेगा तो वन बाई एफ बचेगा, इक्वल टू भी एफ से भी एफ कटेगा तो वन बाई यू बचेगा, और प्लस यू एफ से यू एफ कटेगा तो वन बाई भी बचेगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं वन बाई एफ बराबर वन बाई भी प्लस वन बाई यू, और ऐसे में इस फार्मूले का डेरिवेशन यहाँ पे हो गया पी आर ओ वी ई डी। तो ए रहा, ऐसे में आप इस फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं। मैं सोचा हूँ कोई, चलिए आपको बता देता हूँ। तो यही फार्मूला था, इस फार्मूले का डेरिवेशन हमने करके आपको बता दिया है, और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। देन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आवर्धन क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन इसको कहते हैं, जिसको एम से लिखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एम बराबर माइनस बी बाई यू, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे आइए समझते हैं इस चीज़ को और डिटेल में, ठीक है। तो m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई h डैश और बीम की ऊंचाई h, अथवा इसी को माइनस भी बाई यू भी लिखा जाता है, क्योंकि जो u का मान होता है या तो अवतल दर्पण में हो या फिर उत्तल दर्पण में हो, वो हमेशा माइनस होता है, इसलिए माइनस भी बाई यू होता है, ठीक है। देन इसमें एक रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं, वो रिलेशन ए है, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। तो इसको लिखेंगे एम बराबर एच आई अपान एच ओ, आई मतलब होता है इमेज, आई एम ए जी ई, ठीक है, एंड ओ मतलब होता है ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है। तो एम बराबर माइनस भी बाई यू, क्योंकि इमेज मतलब भी होता है और ऑब्जेक्ट मतलब यू होता है, तो ऐसे ये रिलेशन होता है। कह रहा कि यदि एम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, और यदि एम धनात्मक है तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देन यहाँ पे बहुत सारा कुछ कंडीशन भी यहाँ पे पुटअप होता है। ये कह रहा है कि यदि एम का मान वन होता है तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होता है, यदि एम बड़ा होता है वन से तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है, और यदि एम छोटा होता है वन से तो बिंब छोटा होता है। और कह रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन सदैव क्या होता है, प्लस वन होता है, और प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है, मतलब वन दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का होता है। यदि कह रहा है कि एम पॉजिटिव है और m छोटा है वन से तो दर्पण उत्तल होता है, यदि m पॉजिटिव है और m बड़ा है वन से तो दर्पण अवतल होता है, और यदि m नेगेटिव है तो दर्पण क्या होता है, अवतल होता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी, और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और फर्स्ट टाइम है तो चैनल पीसीएम नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।